हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करते हैं। टू इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट किन किन मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यूज़, ये मैंने आपको बताया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसी चैप्टर में थोड़ा सा ही बाकी है, दो और मेन टॉपिक्स बाकी है। पहला एक तो है कि कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। अब ये क्या होता है, अब देखो, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, मतलब कि किसी भी इक्वेशन को, कोई भी जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, कई बार होगा कि उसको सॉल्व करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मीन्स एक ही सोल्यूशन आएगा एक्स और वाई का वैल्यू। कई बार हुआ कि नो सोल्यूशन आएगा, मतलब एक भी नहीं आएगा, और कई बार हुआ कि बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। जैसे याद होगा आपने, तीन टाइप के मैंने आपको ग्राफ बताए थे कि ऐसे ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे ग्राफ पैरेलल है, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ है। तो ये तीनों से हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ये तीनों का डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कंडीशन देखेंगे कि किन कंडीशन पर ये तीनों बातें होगी। तो पहला, यूनिक सोल्यूशन। अब देखो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखना। अब अगर देर आर टू लाइन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वस टू ज़ीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वस टू ज़ीरो, ओके, ध्यान से देखना। तो अब याद करो जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, जब हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स इक्वस टू क्या होता है, आप याद करो एक बार। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू मैंने आपको बता दिया था, x इक्वल टू ए टू सी वन माइनस, है ना, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ऐसा कुछ देखा था हमने। ए वन सी टू लिया है तो ये वाई है ना, ए वन सी टू लिया है तो ये क्या है, वाई है, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के लिए बी वन सी टू, है ना, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब इन दोनों में ही, अब ध्यान से देखो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको पता होगा कि किसी भी वैल्यू में x कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो अगर ये और ये अपने को रियल चाहिए, ये और ये अपने को रियल चाहिए, तो रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल होने के लिए हमें ये चाहिए होगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर हो वो कभी ज़ीरो ना हो, है कि नहीं, डिनोमिनेटर जो हो वो कभी ज़ीरो ना हो। तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो अगर हो गया तो फिर क्या सोल्यूशन नहीं आया ना। ओके, आप ये समझते होंगे। अब ये याद रखो कि किसी भी फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये आगे भी आपको काम आएगा। तो या इसको आप सॉल्व करो तो ए वन बी टू इक्वल्स टू ए टू बी वन, अब डिवाइड करो तो ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल्स टू था, इज़ नॉट इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू। मीन्स ये देख के आपको ये अब याद हो जाना चाहिए कि कोई भी टू इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं और एक ही सोल्यूशन चाहते हैं, कि एक ही ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज हो एक्स और वाई जो उसे सेटिस्फाई करे, तो फिर ए वन बाय ए टू मीन्स एक्स का जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो, दोनों इक्वेशन में एक्स के कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो हो वो वाई के जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो है उसके बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन मीन्स कोई एक ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो ये उसका कंडीशन हो जाता है। और ये कैसे आया आपने वो भी देखा, ओके, इस प्रकार आता है। और यही अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इक्वल हो जाए तो फिर उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, तब दो बातें होंगी, तब दो बातें देखो क्या होगी, नो सोल्यूशन होता है, एक नो सोल्यूशन मैं पूरा लिख देता हूं, बी है नो सोल्यूशन। अब ये क्या होता है कि वही सेम लाइन के लिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये दो बातें,
अब सपोज कि वो जो डिनोमिनेटर है, वो जो डिनोमिनेटर है वो अगर जीरो के बराबर हो जाए, मीन्स क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या आएगा, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू हो गया। तो अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो दो बातें होंगी, या तो वो सी वन बाई सी टू के बराबर होगा, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके बराबर होगा, या फिर वो उसके बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा उस केस में हम लोगों को एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उस केस में एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखिए तो आपको खुद ही ये चीज़ समझेगा कि आप जैसे मान लो एक इक्वेशन है 2x plus 3y plus 7 equals to 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x plus 6y plus 14 equals to 0। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अब अच्छे से देखो तो दूसरा इक्वेशन जो है वो एक्चुअली पहला इक्वेशन ही है। मीन्स अगर 2 आप कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, 2x plus 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों के केस में ही देखो a1 by a2, अगर मैं इन दोनों के केस में बात करूं तो a1 by a2, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ध्यान से देखो तो ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, है ना। तो तीनों बराबर हो गए, तो तीनों बराबर हो गए मीन्स दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं, दोनों इक्वेशन सेम है। अब सेम इक्वेशन मीन्स क्या, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ही होगा। ध्यान से देखना आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा मीन्स बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। ओके, ये कब, अगर तीनों बराबर हो गया तो आपको दिख रहा है तीनों बराबर होने पर क्या हो जाएगा, उसका दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा तो उसके इन्फाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन अगर वही 2x plus 3y plus 7 equals to 0 और 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 होता, तब क्या होता। अब देखो ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 कॉमन ले लिया आपने तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करोगे सेकेंड इक्वेशन को तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 7 आ रहा है, और यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 8 आ रहा है। आप खुद ही बताओ थोड़ा सा सोच के कि 2x प्लस 3y एक बार माइनस 8 आ रहा है और 2x प्लस 3y एक बार माइनस 7 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों दो सेम ही वैल्यू को ऐड करके एक बार माइनस 7 आए और उनको ही ऐड करके एक बार माइनस 8 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और देखो अब ध्यान से तो ये कब आया, अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो देखो ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल्स टू 7 बाय 16 आ गया C1 by C2। तो जब not equals to होगा उस केस में आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के कभी common solution नहीं हो सकते, तो इस केस में क्या हो जाएगा, no solution हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, no solution हो जाएगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, इस केस में होगा consistent, ये क्या रहेगा, consistent रहेगा। consistent means क्या आ गया, उसका solution आ गया। इस केस में क्या रहेगा, inconsistent रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, समझ रहे हैं आप। और थर्ड, तो यहाँ तक मुझे लगता है थर्ड भी मैंने बता ही दिया है, बट स्टिल मैं फिर से लिख देता हूँ। थर्ड क्या था, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, या फिर इसको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब ये अभी मैंने बताया कि फॉर ए वन बाय ए टू a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, if a1 by a2 equal हो जाए b1 by b2 के, वो भी equal हो जाए c1 by c2 के, तो क्या कहानी होगी, उस केस में मेनी सोल्यूशन आएंगे, मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, समझ रहे हैं आप। तो ये तीन कहानी होती है, तीन कंडीशंस होते हैं सॉल्व करने के, या तो यूनिक आएगा एक ही सोल्यूशन आएगा, या फिर नो सोल्यूशन एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, या फिर बहुत सारे सोल्यूशन। मैंने तीनों के आपको कारण भी बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको आसानी से ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए हम लोग वो देखते हैं किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पे बेस्ड चलो मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। पहला सवाल, फाइंड दी वैल्यू
ऑफ पी फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन. अब इक्वेशन क्या है, पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू एंड सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू थ्री. ये दो गिवन इक्वेशन है. इसमें बोला है कि क्या आखिरी पी का वैल्यू होगा कि इन दोनों में, दोनों इक्वेशन का अपने को एक ही सोल्यूशन मिले. तो देखो कैसे करेंगे. पहले तो इसे अपने को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. किस फॉर्म में, जो हम लोगों को पहले बताया गया था कि पहला इक्वेशन क्या है, पी एक्स माइनस वाई, एक मिनट, सोल्यूशन, हाँ, पी एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. अब ध्यान से देखो तो ए वन कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट, बी वन क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, सी वन क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म. अब यहाँ पे सी वन हम लोग टू नहीं लेने लगेंगे, उससे कन्फ्यूज होगा. अगर आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाए तब सीधे लेना स्टार्ट करो. जैसे जो मैंने जैसे ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है तो मैं ले सकता हूँ डायरेक्ट. आप मत लो, आप ऐसे धीरे धीरे करके लिखो तो क्या होगा कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. नहीं तो अभी आप शॉर्टकट मारने लगोगे तो फिर सब दिन के लिए वो गलती होते रहेगा आपसे. कई बार आपको वही कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगेंगे आपसे. तो स्टार्टिंग में ट्राई किया करो कि सारी चीज़ें लिखने का. और सी टू कितना हो गया, माइनस थ्री, दिख रहा है इस इक्वेशन से, समझ गए होंगे आप. अब क्या बताया था सर ने कि यूनिक सोल्यूशन के लिए, यूनिक मीन्स एक ही सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ओनली वन सोल्यूशन मीन्स का यूनिक, वही मतलब हो गया. ए वन बाय ए टू मैं लिख दूंगा फॉर यूनिक सोल्यूशन. ए वन बाय ए टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू. ए वन क्या था, पी, ए टू क्या था, सिक्स, इज नॉट इक्वल टू बी वन क्या था, माइनस वन, बी टू क्या था, माइनस टू, है ना. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी इज नॉट इक्वल टू सिक्स बाय टू, सो पी कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री. मीन्स पी तीन के बराबर नहीं हो सकता है, तीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, थ्री के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस पी कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री. पी कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री, है कि नहीं. अब आप ये समझ गए होंगे. चलिए इस पे बेस्ड मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू के माइनस फोर एंड सिक्सटीन एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू के हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन. अब तुरंत याद कीजिए इनफाइनाइट में क्या हुआ था, ए वन बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि सोल्यूशन कैसा दिखेगा. तो मैं एक ही बार में लिखता हूँ, आप देखिए. ए वन क्या होगा, के, बी वन क्या है, फोर, सी वन क्या लिखूंगा मैं, माइनस के प्लस फोर, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो साइन उसका चेंज हो जाएगा. उसी प्रकार ए टू क्या होगा, सिक्सटीन, बी टू क्या होगा, के, एंड सी टू क्या होगा, माइनस के होगा ना, ठीक है. अब क्या लिखूंगा मैं, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन कि क्या होता है, ए वन बाई ए टू शुड बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू शुड बी इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू, यही होता था ना. अब इसको लिखेंगे हम लोग. देखो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई लोग, कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ. वो गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि पढ़ने के साथ ही उन्हें समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, है ना. पढ़ने के साथ ही उनको ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है, तो वो वही काम करेंगे और उनको आंसर आएगा. ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मेरे लिए भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ होता है
कि देखने के साथ कई बार समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या करें। तो वो क्या करते हैं, आप खुद भी देखना, खुद को ही ऑब्जर्व करना कई बार, कि वो उस क्वेश्चन को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उससे नहीं होने वाला है वो क्वेश्चन, पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि लिखना चाहिए, ठीक है। मैथ्स मीन्स राइटिंग, आप लिखो चीज़ों को, पढ़ के मैथ्स नहीं होता, मतलब कुछ भी जो समझ में आ रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन में, आप भी यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और भी ये तो इजी क्वेश्चन में, और भी टफ क्वेश्चंस आगे के चैप्टर्स में कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि आप लिखो चीज़ों को। और जैसे मन में आ रहा है कि अच्छा इसमें अगर यहाँ पे स्क्वायर करके देखते, तो सोचो मत कि स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर कर दो और फिर देखो अच्छा उससे कोई फ़ायदा हो रहा है क्या। तो ये काम आपको मैथ्स में करना चाहिए, उससे ही इंप्रूवमेंट होगा, उससे ही आपका दिमाग खुलेगा, उससे ही आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाओगे जब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आने लगेगा कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन में ये करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में वो नहीं होता है, आपको वो लास्ट में ही मिलेगा जब बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो एंड में आपको वो चीज़ आएगी कि किसी भी क्वेश्चन को देख के आप बता दोगे कि अच्छा इसमें तो ये करना है। बट स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ को लिखना है, तो फिर क्वेश्चन होगा, देखते नहीं रहना है, देखने से वो क्वेश्चन बदलने नहीं वाला है, क्वेश्चन वही रहने वाला है। तो ए वन इज के, ए टू इज 16, बी वन इज 4, बी टू इज के, सी वन इज माइनस के प्लस 4, सी टू इज माइनस के। अब इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो के बाय 16 है 4 बाय के के इक्वल, एंड 4 बाय के है माइनस के प्लस 4 बाय माइनस के इक्वल, है कि नहीं। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, आगे भी आपको यही करना है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो के स्क्वायर इक्वल टू 16 फोर था 64, तो के इक्वल टू 8 नहीं प्लस माइनस 8, के दो वैल्यूज हो सकते हैं, प्लस 8 भी माइनस 8 भी, याद रखिए। और इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, सीधे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल टू माइनस 16, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप तो इसके बाद क्या करेंगे, हाँ के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 16 इक्वल्स टू 0, है ना। ये मैंने क्या किया, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया और हाँ वही मैं सोच रहा था कि आखिर कहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है आपको बताने के चक्कर में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, उल्टा नहीं मीन्स वो जल्दी जल्दी में वो माइनस के को मैंने माइनस 4 लिख दिया था, चलो उसे मैंने सुधार दिया। तो माइनस 4 के इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के, तो यहाँ से क्या होगा, के स्क्वायर माइनस, ये मैंने इसको इधर ले लिया, इसको 8 के इक्वल्स टू 0, सो के इंटू के माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सो के इक्वल्स टू 0 एंड के इक्वल्स टू 8। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड मीन्स ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मीन्स ये दोनों सेटिस्फाई होने के लिए, देखो ये देखेंगे हम लोग कि ऐसा नहीं कि ये और ये दोनों आंसर हो गया, नहीं, फिर देखेंगे ऐसा क्या वैल्यू है जो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लस माइनस 8 और 0 और 8 में क्या कॉमन है, 8, तो एक ही आंसर मिला, k इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हेंस k इक्वल्स टू 8 इज करेक्ट वैल्यू फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके k इक्वल्स टू 8 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके। अब आपको मैं एक दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, होमवर्क कीजिए, होमवर्क। पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द इक्वेशंस 6x plus py equals to 5, 3x plus 4y equals to 2 has, पहला अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो बताइए p का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा
नो सोल्यूशन चाहिए तो बताइए पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक और होमवर्क इसके साथ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 4x + 2y = k एंड 2x + 3y = 6 हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x + ky = 2 एंड 5x + y = 7 हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, हैव नो सोल्यूशन। तो ये आपके लिए सवाल है, आप ये सब कीजिए, होमवर्क के लिए मैंने दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, एक टॉपिक वो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आपने पहले भी किया होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। तो आपको अगर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स इसके बाद मिलने वाला है, कि डेली लाइफ प्रॉब्लम जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे इन टू वेरिएबल, तो देखो कैसे करेंगे। इसके स्टेप्स आपको अगर चाहिए तो मैं इसके स्टेप्स लिख सकता हूँ, कि स्टेप्स टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो यूज़ करके कैसे करेंगे देखो। वैसे आप सबको पता है, फिर भी मैं स्टेप लिख देता हूँ जिन बच्चों को दिक्कत होता है उनके लिए। पहला स्टेप, रिप्रेजेंट दी अननोन, रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटीज बाय सेम वेरिएबल एक्स एंड वाई विच आर टू बी डिटरमाइंड। समझे आप, मीन्स जो भी अननोन क्वांटिटीज है उसे हम लोग एक्स और वाई से हम लोग उसे अज्यूम कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब जिसे भी हम लोगों को डिटरमिन करना है, मीन्स फाइंड करना है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं लिखता हूँ, फाइंड द कंडीशंस, फाइंड द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में कुछ कंडीशन गिवन होगा, है ना, एंड ट्रांसलेट दी एक मिनट, ट्रांसलेट दी वर्बल कंडीशंस इनटू अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब घबराइए मत, मैं आपको इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ। देखो, अब जो भी कंडीशन गिवन होगा प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में हमेशा जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको प्रॉब्लम कुछ कंडीशंस गिवन होंगे। अब उसको प्रॉब्लम अब कैसे लिखा होगा, वर्बल कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि एक प्लेन है, वो यहाँ से उड़ के इतने मिनट में इतने आवर स्पीड के साथ जाता है फिर वापस आता है, ऐसे कुछ वर्बली लिखा होगा, वर्बली मीन्स लैंग्वेज में लिखा होगा। उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मीन्स जो एक दूसरे पर डिपेंड, जैसे अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो दोनों इक्वेशन क्या करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो वही बोल देते हैं हम लोग कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो। ठीक है, तो आपके लिए ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा मैं बताता हूँ, दो स्टेप्स हो गए करने का काम। तीसरा आपको क्या काम करना है कि अब दो इक्वेशन मिल गया तो उनको क्या करो, आप सॉल्व कर दो, सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज विद
अप्रोप्रिएट यूनिट। अब कई लोग गलती करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मस्त सॉल्व किया, लास्ट में ढंग से यूनिट लिखा ही नहीं, लास्ट में ढंग से आंसर लिखा ही नहीं, तो पता है आपका एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। क्यों काटेगा? आपको तो सब आता था बट आपको लिखना नहीं आया, तो मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि आपको लिखना भी अच्छे से आए जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स ना कटे। अब देखो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जनरली, मैं ऐसा नहीं कि वही होगा फिक्स्ड है, तो जनरली आपको ऐसा हो सकता है कि दो नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा अगर दोनों के बीच कुछ रिलेशन पता है, पहला ये टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है आप समझते हैं ना, एक फ्रैक्शन है उसमें डिजिट्स है, फ्रैक्शन है उसमें डिजिट्स मीन्स न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, उसमें आपको रिलेशन दे देगा वो फाइंड करना होगा, या फिर आपको बोलेगा कि किसी एक नंबर है उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट फाइंड करो, या फिर एक आदमी दो आदमी का उम्र फाइंड करो, एज फाइंड करो, या फिर ये बोल सकता है कि एक रिवर है उस रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कुछ जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में उसके फ्लो के अगेंस्ट कुछ जा रहा है तो बताओ उसका स्पीड क्या होना चाहिए बोट का। टाइम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, एरियाज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, टाइम वर्क वाले भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आपको वो सब चीज़ों से अवगत पहले से ही आप होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मुझे लगता है आप सबको होंगे भी, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लीजिए कि अगर रिवर है एक रिवर के दिशा में कुछ जा रहा है तो रिवर का भी कुछ तो उसका फ्लो का डायरेक्शन होता है ना, तो फ्लो का डायरेक्शन अगर सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर है ना, और जो बोट है उस बोट जो बोट जा रहा है उसका स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर है, तो रिवर भी इसी दिशा में है बोट भी इसी दिशा में है, तो उसे हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है रिवर के डायरेक्शन में जाना, सॉरी रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना अपस्ट्रीम होता है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ऐसे मैं धीरे धीरे और भी चीज़ें बताता रहूँगा। अब अपस्ट्रीम अप मीन्स ऊपर जाना हो जाता है ना, तो उससे आप समझते हो अपस्ट्रीम ऊपर जाने में ज़्यादा मेहनत लगता है ना, तो उसी मेहनत ज़्यादा किस में लगेगा, रिवर के डायरेक्शन में जाने में या रिवर के उल्टा जाने में, रिवर के उल्टा जाने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो अपस्ट्रीम क्या हो गया, रिवर के उल्टा डायरेक्शन में जाना, जिधर रिवर जा रहा है उसके अपोजिट में जाना ज़्यादा मेहनत, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बोट के स्पीड से उसका स्पीड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसका फ्लो का स्पीड, जो स्ट्रीम का स्पीड होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और वही अगर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, नीचे जाने में कम मेहनत लगता है, तो वही हो गया, तो नीचे जाएंगे तो क्या साथ में रिवर भी धक्का देगा ना आपको, तो फिर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिवर के बारे में, है कि नहीं। दूसरा एक ट्रेन जा रही है, अब ये बचपन में देखा था हम लोगों ने, पटरी है एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के आगे इधर पटरी है, इस पर ट्रेन जा रही है, ठीक है ऐसे कुछ ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जब जाती रहेगी तो टोटल जो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टोटल टाइम लगेगा उसके लिए डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डिस्टेंस हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अगर ट्रेन का लेंथ वाई मीटर है या वाई किलोमीटर मीटर ही होगा जनरली, और प्लेटफॉर्म अगर एक्स मीटर का है तो डिस्टेंस ऐड हो जाता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई मीटर हो जाता है कि नहीं, ये सब आपको याद रखना चाहिए। दूसरा अब दो ट्रेन है अलग अलग, ठीक है दो ट्रेन अब अलग अलग बिल्कुल जाती है, एक होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और एक होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो एक ही डायरेक्शन में जाने के बाद उनका स्पीड आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ट्रेन छोड़ो कार से जा रहे हो, आपके बगल से दूसरा कार गुजरे जो कि आपकी ही दिशा में जा रहा है, तो वो आपको किस स्पीड में दिखेगा, स्लो दिखेगा थोड़ा, या ऐसा दिखेगा कि वो तो अपने साथ साथ ही चल रहा है, तो उसका स्पीड x माइनस हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि किससे माइनस होगा, तो किससे माइनस होगा, तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा उससे कम का माइनस होगा, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मॉड लगा देंगे कि पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि जनरली कोई इसके लिए होगा
इस ट्रेन के लिए अगर स्पीड देखें इस ट्रेन के केस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो यहाँ से, इसमें भी यहाँ से अगर देखेगा तो फिर इसके स्पीड से ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से कोई आदमी देखेगा इस ट्रेन को जाते हुए कि किस स्पीड से जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, है ना, ज़्यादा स्पीड से देखेगा ना, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को? तो ये प्रॉब्लम्स आपको अब मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आप खुद कीजिए अपने बुक से, मैं यहाँ पे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चंस कीजिए, मुझे लगता है आप लोग कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि पहले के कक्षाओं में कर रखा है आपने, और जितना क्वेश्चन करोगे उतना फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट डे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगा और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा, थोड़ा आगे तक का भी पढ़ा दूँगा मैं वो चैप्टर, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।